हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एवरी नीड में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त सतीश शर्मा। दोस्तों, पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायतों के जो ऑनलाइन टैक्सेशन की प्रोसेस की जा रही है उसके संबंध में दोस्तों आज ये वीडियो का पार्ट थर्ड वीडियो है ये जो मैं लेकर आया हूँ, जिसमें दोस्तों हम बात करेंगे कि ऑनलाइन पीआरडी पोर्टल पर संपत्ति कर की प्रोसेस किस तरह से की जाएगी। दोस्तों, इससे पहले मैं जल कर और स्वच्छता कर के संबंध में वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, दो पार्ट अलग अलग में बना चुका हूँ, तो वो आप चैनल पर जाके देख भी सकते हैं। स्वच्छता कर भी लेटेस्ट ऊपर ही दिखेगा आपको, बाकी जल कर चैनल पर नीचे दिख जाएगा आपको। वीडियो के जैसे ही लिंक आप क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको शो हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संपत्ति कर की ऑनलाइन प्रोसेस पूरी तरीके से कैसे करेंगे आपको वो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसमें आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी प्रोसेस में आप वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पंचायत दर्पण पोर्टल मतलब पीआरडी पोर्टल लॉगिन कर लिया अपनी ग्राम पंचायत की आईडी पासवर्ड से। यहाँ पे होम पेज पे आपको कर प्रबंधन प्रणाली आपको ये मालूम ही है कि सभी टैक्सेस की प्रोसेस इसी फोल्डर में करनी है आपको, तो ये मैंने क्लिक कर लिया है। मैंने इसके अंदर हम आ चुके हैं। अब जल कर है, स्वच्छता कर है और प्रकाश कर, ये तीनों की प्रोसेस दोस्तों लगभग सेम टू सेम है। और जल कर और स्वच्छता कर के लिए वीडियो डाल चुका हूँ मैं, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे रहा हूँ दोनों वीडियोज़ का, तो आपको कोई आवश्यकता लगे इनके संबंध में तो आप वीडियो से आसानी से देख सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा है वो है संपत्ति कर के संबंध में। तो ऑफलाइन प्रोसेस जो भी आपकी ग्राम पंचायतों में संपत्ति कर के लिए चल रही थी, आप चलाने जा रहे हैं, तो वो सारी प्रोसेस अब आपको ऑनलाइन इसी पोर्टल पे आपको करना है। फ्रेंड्स, ये शुरुआत करने से पहले एक दो चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि संपत्ति कर का जो ग्रामीण क्षेत्र में हम स्टार्टिंग करेंगे, तो इसमें एक मेरा सुझाव ये है कि आप स्टार्टिंग आप जो आवासीय भवन आपकी ग्राम पंचायत क्षेत्र में उनसे आप शुरुआत करें। हालांकि चाहे तो आप अन्य जो संपत्ति हैं उन पर भी कर सकते हैं, क्योंकि आवासीय क्षेत्र ज़्यादा रहेगा तो उससे स्टार्टिंग हमारी अच्छी रहेगी ग्राम पंचायतों के टैक्स कलेक्शन के लिए। अब इसमें फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि संपत्तियों का किस तरह से हम निर्धारण करेंगे, कैसे उसका मूल्य देखेंगे, कैसे उसकी लंबाई चौड़ाई जानेंगे। तो इसके लिए दोस्तों लंबाई चौड़ाई तो हम इजीली हम पता कर सकते हैं आसानी से, और वो भी आपको मतलब नॉर्मल जो आपको दिख रहा है मकान और जो मकान मालिक है जो, उससे आप पूछ सकते हैं आसानी से दोनों चीज़। और आप पेज पे उससे लिखवा भी लें, साइन भी उससे ले लें कि आपका ये सब आपके मकान का मूल्य कितना है और आपकी लंबाई चौड़ाई फिट में कितनी है, तो ये आप नोट करके रख लें और पेज पे आसानी से उसको साइन करा के ले लें। बाद में ग्राम सभा में भी आप उसको प्रस्ताव में ले लें आप सभी गांव वालों के, जो भी आप उसकी संपत्ति को रजिस्टर्ड करेंगे। दोस्तों, अभी हम क्या ग्राम पंचायत में स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो ज़्यादा उनको विशेष रूप से नापतौली करने का हमारा काम नहीं रहेगा। अभी आसानी से जो मकान का मालिक बता रहा है, दो चार लोगों के सामने आप उससे पूछ लें कि आपके मकान की लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसका मूल्य लगभग कितना है, तो स्टार्टिंग आप इस तरह से आसानी से कर लें। बाद में यदि उस पर कोई आपत्ति आती तो बाद में उसका सॉल्यूशन होएगा, उसका सुधार के लिए ऑप्शन इसमें आएगा, तो ग्राम सभा में आप उसका प्रस्ताव भी पारित करवा लें सभी ग्रामवासियों के, जो भी आवासीय आप रजिस्टर्ड इस पे पोर्टल पे करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिना विवाद के आप शुरुआत करें पंचायतों में ऑनलाइन, तो शुरुआत आसानी से ऐसे ही हो पाएगी कि जो आप सामने वाला जो आपका टैक्स पेयर है जो ग्रामीण है वो बता रहा है कि हमारे मकान के साथ इतना उसका वैल्यूएशन है, तो वो उतना आप आसानी से उस पर आराम से नोट कर लें, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर पोर्टल पर भी एंट्री कर दें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम संपत्ति कर के टैब में ही जाएंगे, लेकिन आपको ये तो मालूम ही है कि किसी भी तरह के टैक्सेस पे काम करने के लिए सबसे पहले जिस हम टैक्स पेयर का यहाँ पर रजिस्टर में बनाएंगे उसको सबसे पहले मास्टर डाटा में हमको ऐड करना रहता है। तो मास्टर डाटा में ऐड करने की प्रोसेस आप पिछले दो वीडियो से देख सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है। आप समग्र आईडी के हिसाब से भी डाल सकते हैं, मास्टर डाटा में ऐड कर सकते हैं, बिना समग्र आईडी के से भी आप उसमें मास्टर डाटा में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम संपत्ति कर में जो समग्र आईडी डाल के आगे डिटेल निकालेंगे वो आपका यदि मास्टर डाटा में जुड़ा नहीं है वो व्यक्ति वो समग्र आईडी, तो वहाँ पे आपकी खुलेगी नहीं। इसलिए मैं सबसे पहले आप जो भी संपत्ति कर के लिए जो भी रजिस्टर्ड आप करना चाह रहे हैं वो सबसे पहले आप उनका एक मास्टर डाटा बना लें। चलिए अब हम इस पर क्लिक करते हैं संपत्ति कर प्रबंधन पर। उसमें आपको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं सामने, इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम। सबसे पहला ऑप्शन है संपत्ति कर मास्टर, इसमें कर वसूली दर प्रविष्ट करें ये वाला ऑप्शन है। ये मैं आपको खोल के बता देता हूँ, हालांकि इसमें आपको कोई काम नहीं करना है। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं ये आपके सामने दिखेगी लिस्ट, क्योंकि राज्य स्तर से दोस्तों जितने तरह के गाँव में आवासीय या बिना आवासीय कृषि भूखंड ये जितने तरह के हो सकते हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, और उसका जो दर निर्धारित किया गया है वो राज्य स्तर से ऑलरेडी फीड कर चुके हैं वो। तो यहाँ पे जो पहला कॉलम हमको करना था उसका कोई यूज़ नहीं करना, सिर्फ देखने के लिए आपको है इसमें, आप कुछ आपको एंट्री इसमें नहीं करनी। खास बात इसमें यह है कि जैसे 100 रुपये पे 20 रुपये के हिसाब से राज्य स्तर से ये कर का जो राशि है वो निर्धारित की गई है। इसको आप यदि चेंज करना चाहें, क्योंकि यदि आप इसको 20 पैसे के हिसाब 20 पैसे के बजाय 25 पैसे करना चाहें या 30 पैसे करना चाहें, तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है कि आप इसको यहाँ से
जिस भवन का भी आप करना चाहें, जिस संपत्ति का, तो उसके आगे जो अनलॉक वाला निशान है उससे आप उसकी जो दर है वो अनलॉक कर सकते हैं और उसको आप एडिट करके दोबारा से लॉक कर सकते हैं। ये सुविधा यहाँ पे आपको दे रखी है। बाकी स्टार्टिंग है तो 20 पैसे के हिसाब से भी मेरे ख्याल से ठीक है और वो राज्य स्तर से भी वही निर्धारित किया गया है यहाँ पे अमाउंट। वो यहाँ पे मतलब पहला कॉलम ऑलरेडी फेल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब जो अगला कॉलम है वहाँ से आपको शुरुआत करनी है काम करने की। तो सबसे पहले संपत्ति ऑब्लिक संपत्ति धारक प्रबंधन, इसमें जाना है। सबसे पहला कॉलम, सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है संपत्ति रजिस्टर का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन आपको दिखेंगे, ग्राम पंचायत का निवासी है तो यहाँ पे क्लिक करना है और ग्राम पंचायत के अन्य किसी पंचायत का निवासी है तो इस पर क्लिक करके आपको समग्र आईडी डालना है। जैसे मैं गाँव वाले का ही एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके बाद आपको गाँव सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको 9 अंकों की जो मेंबर आईडी रहती है, सदस्य आईडी रहती है, वो आपको यहाँ पर डालना है। तो एक सदस्य आईडी डाल के मैं आपको बता देता हूँ जानकारी कैसी निकलती है। ये मैंने समग्र आईडी डाल दी है। यहाँ पे हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो समग्र के डाटा के हिसाब से ये डिटेल आपके सामने आ जाती है। अब इसमें जो लास्ट में कॉलम आ रहा है संपत्ति वाला, प्लस का निशान जो दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके इस व्यक्ति की संपत्ति रजिस्टर्ड यहाँ पर करनी है। तो इसमें मैंने क्लिक किया, ये कॉलम आपके सामने खुल गए। अब यहाँ पे आप देखिए संपत्ति धारक का नाम ऑटोमेटिक आ रहा है। संपत्ति के प्रकार, कौन से प्रकार के लिए आप एंट्री कर रहे हैं, जैसे मैं आवासीय कर रहा हूँ और अधिकतर हम आवासीय का ही स्टार्टिंग करेंगे तो आवासीय निर्माण सेलेक्ट कर लिया। उप संपत्ति के प्रकार में 4 तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, कच्चा है या आरसीसी का है या अर्ध पक्का है या टीन शेड वाला है। तो जो भी हो आपका वो सिलेक्ट आप यहाँ से कर लें। जैसे मैं आरसीसी का कर रहा हूँ तो वो मैंने आरसीसी यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद भूखंड की लंबाई, यहाँ पे जैसे फिट में आपको ये ऐड करना है, भूखंड की लंबाई मैंने डाल दी है। इसके बाद भूखंड की चौड़ाई, वो भी आपको फिट में डालना है, ये मैंने डाल दी है। फ्लोर या तल कितने हैं उसके वो डालना है आपको, जैसे एक है तो एक मैंने डाला है, बाकी 2 या 3 हो तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उनकी एंट्री हमको बाद में आगे करनी पड़ेगी। इसके बाद संपत्ति का मूल्य, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो मकान मालिक है उसी से आप पूछ लें, उसी से नोट लिखवा के साइन ले लें कि कितने रुपये की संपत्ति, उसका संपत्ति का कितना मूल्य है, वो आप यहाँ पर डाल दें। इसके बाद गांव ऑटोमेटिक आ ही रहा है, आपको बसाड सेलेक्ट करना है। लोकेशन में कोई आपको डिटेल उसकी मकान की डालनी हो एड्रेस तो वो आप डाल दें, नहीं तो कम से कम गांव का नाम आप लिख दें। इसके बाद आपको यहां पर सेव प्रॉपर्टी डिटेल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो हम संपत्ति धारक प्रबंधन में काम कर रहे थे, सबसे पहला ऑप्शन हमने अभी यूज किया था संपत्ति रजिस्टर करें। ये रजिस्टर करने के बाद दोस्तों हमारा इसका काम खत्म हो गया। अब हम सेकंड वाले ऑप्शन पे चलते हैं, फ्लोर तलों की जानकारी रजिस्टर करें। इस पर हम देखते हैं तो जो भी हम संपत्ति रजिस्टर करेंगे पहले वाले ऑप्शन से, वो उसी गांव को सिलेक्ट करके हम इसमें इस वाले ऑप्शन में वो नाम यहाँ पे आ जाएंगे, डिटेल उसकी आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों जितने हमने रजिस्टर करते समय उनके फ्लोर की जानकारी डाली, जैसे हमने अभी एक डाला था तो एक फ्लोर आ रहा है, 2 फ्लोर होते, 2 फ्लोर इसमें दिखते, तो इस फ्लोर की जानकारी के लिए हमको यहाँ पे प्लस वाले निशान पे जाके फ्लोर की जानकारी और भरना है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये नया कॉलम नए पेज आपके सामने खुल जाता है। अब यहाँ पे आप देखें जो भी आपने जानकारी फिल की है संपत्ति रजिस्टर करते समय फ्लोर के बारे में, जितनी संख्या आपने उसमें डाली उसी की संख्या के हिसाब से आपको यहाँ पे इसमें फ्लोर की जानकारी फीड करना है। जैसे मैंने एक डाला है तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर में सिलेक्ट किया है मैंने। यहाँ पे निर्माण की लंबाई चौड़ाई जो आपने वहाँ डाली है वही आपको यहाँ पे डालना है, तो मैं डाल देता हूँ। ये मैंने निर्माण की लंबाई चौड़ाई डाल दी है। निर्माण का प्रकार, बहुत सारे ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, इसमें सबसे पहला ऑर्डिनरी मतलब सामान्य ही आएगा वैसा दिखता है, तो सामान्य सिलेक्ट कर दें यहाँ पे आप। इसके अलावा दोस्तों खुला क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई भी यहाँ पे डालना है। दरअसल क्या है कि जैसे हम जो संपत्ति रजिस्टर कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में, अधिकतर ये होता है कि जैसे भवन बना हुआ है तो उसके आगे जगह भी खाली मतलब रहती है अधिकतर लोगों के पास। तो जैसे हम संपत्ति रजिस्टर करते समय टोटल यदि हमने लंबाई चौड़ाई ली है, भवन बना हुआ है उसकी भी और खाली जगह वाली भी, तो फिर खाली जगह कितना क्षेत्र है उसकी लंबाई चौड़ाई आपको यहाँ पर डालना है। जैसे मैंने अभी मैं जो एंट्री कर रहा हूँ वो सिर्फ मैंने भवन की एंट्री की है, तो भवन टोटल जो लिया है मैंने उसकी लंबाई चौड़ाई सिर्फ भवन की है, खुला क्षेत्र मैंने इसमें नहीं लिया है। यदि आप टोटल एरिया उस संपत्ति धारक का आप टोटल एरिया काउंट करेंगे, टोटल एरिया संपत्ति रजिस्टर्ड करेंगे, तो वहाँ पे आपको लंबाई चौड़ाई भवन वाली आपको फर्स्ट फ्लोर जो हमने सेलेक्ट किया है फ्लोर की लंबाई चौड़ाई यहाँ पर डालना है, और जो बाकी जो खुला हुआ क्षेत्र है उसके अंदर में उसकी लंबाई चौड़ाई आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे मैं जो रजिस्टर कर रहा हूँ उसमें लंबाई चौड़ाई खुली वाले क्षेत्र की कुछ भी नहीं है, तो आपको यहाँ पर 0-0 डालना है। इसके अलावा फिर अगला कॉलम है व्यावसायिक उपयोग में लिए जा रहा है क्षेत्र की लंबाई, तो यहाँ पे व्यावसायिक उपयोग में यदि फर्स्ट फ्लोर की कोई जगह ली जा रही हो तो उसकी लंबाई आपको चौड़ाई आपको यहाँ पर डालना है। जैसे मैं जो डाल रहा हूँ उसमें व्यवसाय के लिए कुछ नहीं लिया जा रहा, कोई यूज नहीं किया जा रहा, तो ये ऑप्शन सारे 0-0 भरने के बाद यहाँ पर जो निशान आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये सक्सेस का मैसेज आ गया, मतलब प्रॉपर्टी डिटेल हैज बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया। इसके बाद सेकंड कॉलम हमने फिल कर लिया, अब हम थर्ड वाले कॉलम पर चलते हैं। इसमें संपत्ति विवरण को लॉक करना है, ये इसमें मैंने क्लिक कर दिया। गांव का नाम वही सिलेक्ट करना है आपको, कौन से गांव की आप डिटेल फिल कर रहे हैं, यहाँ पे आपको वो नाम देखेगा।
सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। अब इसको आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी कर सकते हैं। इसे प्रिंट करके मैं बता देता हूँ आपको, प्रिंट करके भी आप उसको संपत्ति धारक को दे सकते हैं। इसके लिए मैंने जैसे प्रिंटर वाला जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैंने प्रिंट पर निशान पर क्लिक किया है। तो ये जो डिटेल हमने फीड की है संपत्ति के संबंध में, वो सारी डिटेल दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने आपके इस पेज पर दिख रही है। तो आप चाहें तो ये प्रिंट करके भी उसको दे सकते हैं। चलिए इसके बाद जो अगला कॉलम है वो है लॉक करने का। तो यहाँ पे हमको वो लॉक वाले निशान पर क्लिक करके इसको जानकारी को लॉक करना है। ये मैंने ओके कर दिया, ये सक्सेसफुली लॉक हो गई हमारी प्रॉपर्टी। ये इस तरह से हमने ये तीन कॉलम भर लिए हैं। यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन आ रहा है वो है लॉक की गई संपत्ति के विवरण देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब उसकी लिस्ट देख सकते हैं। तो ये भी चाहे तो आप यहाँ पे ये देखने के लिए ऑप्शन है कितने लोगों की आपने संपत्ति फीड की है। और यहाँ से भी प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से भी आप वो जो डिटेल हमने पहले प्रिंट करने के लिए ऑप्शन निकाला था वो आप यहाँ से भी प्रिंट करके दे सकते हैं। चलिए ये वाला कॉलम हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं जो कि संपत्ति कर प्रबंधन है। इसमें आपको सबसे पहला काम करना है वार्षिक संपत्ति कर चालान जनरेट करें। इस पे मैंने क्लिक कर दिया है। वर्ष आपको 2021 में अभी काम कर रहे हैं, 2021 ही यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो जितने लोगों को भी हमने यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है संपत्तियों की डिटेल, वो सारे लोगों के नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये डिटेल आपके सामने सब कुछ आ रही है, उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक जो संपत्ति का मूल्य हमने डाला था उसके हिसाब से संपत्ति की कर की राशि भी यहाँ पे शो हो रही है। पिछला बकाया कोई होता तो वो यहाँ पे आता, अधिभार यहाँ पे आता, छूट कोई देना है पंचायत को तो वो यहाँ पे आएगी। लेकिन हमको फिलहाल इन तीनों ऑप्शनों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जो राशि टोटल शो हो रही है संपत्ति कर के लिए टैक्स के रूप में, वही टोटल राशि आपको यहाँ पर दिख रही है, यही राशि हमको उपभोक्ता से मतलब जो हमारा टैक्स पेयर है उससे लेना है। अच्छा, इसकी भुगतान की अंतिम तिथि यहाँ पर ऑटोमेटिक 10 दिन लेके अगले 10 दिन का समय लेके यहाँ पर शो हो रही है। ये भी पोर्टल ऑटोमेटिक दे रहा है, जैसे जिस दिन हम जनरेट कर रहे हैं बिल ये सॉरी चालान, उसके हिसाब से अगले 10 दिन की समय सीमा में उसको 200 रुपये का संपत्ति कर जमा करना है। और यदि समय सीमा के बाद जो ड्यू डेट है उसके बाद जमा करेंगे तो 10 रुपये का फिर उसको पेनल्टी लगेगी। इस तरह से टोटल 210 रुपये जमा करना पड़ेगा। ये डिटेल आप एक बार चेक करें। इसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 5 लोगों का किया होता तो 5 लोगों की लिस्ट आपको यहाँ पे देखती है। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, वहाँ से आप सभी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर रजिस्टर टैक्स डिटेल पर क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया, सक्सेस का मैसेज आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स डिटेल हैज बीन सेव्ड, ये मैसेज आ गया। यहाँ पे हमारा संपत्ति कर का चालान जो है वो जनरेट हो गया। अब अगले इसके जस्ट नीचे जो ऑप्शन है वार्षिक संपत्ति का चालान प्रिंट करें, इस पर आप क्लिक करके देख लेते हैं क्या ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे वर्ष वही 2021 आएगा। यहाँ पे जितने लोगों का हमने चालान जनरेट किया उनकी सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। तो ये चालान एक तरह से मतलब ये बिल है मान लीजिए, इसको आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अगले टैब में ये डिटेल खुल जाएगी बिल की, और ये PDF में आप इसको जनरेट हो जाती है। इसका प्रिंट करके आप उसको जो टैक्स पेयर है उसको आपको देना है। इस बिल में जो हमने संपत्ति की डिटेल फीड की है वो सारी जानकारी यहाँ पर शो भी हो रही है। चलिए ये हमने मान लीजिए प्रिंट करके दे दिया, ये दो ऑप्शन हमने यहाँ पर देख ली। अब अगला ऑप्शन है वो है जो राशि प्राप्त होगी उसकी एंट्री करने के लिए। तो इसका अगला ऑप्शन वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन इसमें आ रहा है। यहाँ पे वार्षिक संपत्ति कर भुगतान की जानकारी प्रविष्ट करें, ये सबसे पहला कॉलम है, इस पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। फिर वही वर्ष सेलेक्ट करना है, यहाँ मैंने वर्ष सेलेक्ट कर लिया, व्यू करेंगे तो जिन लोगों का हमने ये वार्षिक संपत्ति कर के लिए चालान जनरेट किया है जिन लोगों का, उन सारे लोगों के यहाँ पे लिस्ट आपके सामने दिखेगी। मतलब जो राशि जो हमने चालान जनरेट किया है उसके बाद उसको बिल हमने भेजा है चालान, उसके बाद उसकी राशि जो प्राप्त हुई है वो राशि की एंट्री करने का ये ऑप्शन है जो हमने अभी सामने खोला है। और यहाँ पे उसकी अपन को एंट्री करनी है कि राशि उसकी प्राप्त हो गई है। इसके बाद ये सामने इसके लास्ट में कॉलम आ रहा है रजिस्टर पेमेंट, यहाँ पे जो निशान आ रहा है इस पर आपको क्लिक करके नई टैब खुल जाती है। यहाँ पे आपको जो राशि प्राप्त हुई है उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करना है। मोबाइल नंबर ही ऑटोमेटिक आ रहा है, डेट भी आ रही है, भुगतान की राशि आ रही है। यहाँ पे भुगतान का प्रकार 4 तरह के हैं, जो भी आपको उचित लग रहा हो वो कर दें। अधिकतर कैश में ही प्राप्त होगा, कैश कर दिया, रेफरेंस नंबर कोई हो तो डालना हो तो डाल सकते हैं। इसके बाद जो टिप्पणी का ऑप्शन है इसमें भी इस संबंध में कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर इसमें कम से कम ओके तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये जरूरी फील्ड है, स्टार लगा हुआ है। ये 2-3 कॉलम भरने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर पेमेंट डिटेल पे क्लिक करना है, ये कर दिया, पेमेंट डिटेल हैज बीन सेव्ड, ये मतलब सक्सेस हो गया। जो पेमेंट जो चालान हमने जनरेट किया था उसकी राशि जो प्राप्त हुई है उसकी हमने पोर्टल पर एंट्री कर दी है। इसी के जस्ट नीचे जो ऑप्शन आ रहा है एक और संपत्ति कर भुगतान की सूची देखें, इस पर क्लिक करके वो लिस्ट हम देख सकते हैं जितने लोगों का हमने यहाँ से भुगतान रजिस्टर्ड किया है। ये देखिए यहाँ पे वो डिटेल पूरी आ रही है, और यहाँ पे भुगतान ये व्यू भी कर सकते हो, यहाँ से हम उसकी रसीद जो है प्रिंट करके दे सकते हैं। तो जैसे ही हम ये प्रिंट रसीद पर क्लिक करते हैं तो नई टैब में PDF में ये उसकी रसीद जनरेट होकर आपके सामने आ जाती है, वो प्रिंट करके आप उसको दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये रसीद जनरेट होकर आ गई है। दोस्तों यही है पूरी प्रोसेस संपत्ति कर की। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक अधिक से अधिक करें वीडियो को यदि अच्छा लग रहा हो,
और जो नए भाई यह चैनल देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें आप चैनल को, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लेकर आता हूं उसका आपको सूचना तुरंत मिलेगी, नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मौके पर मिलते रहेंगे समय समय पर, और उनसे आपको काम करने में लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।